अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। हमारे कई साथियों के सवालात आए कि हज़रत सर्दी का मौसम चल रहा है, ठंडी का मौसम, और लोगों को एलर्जी रहती है, नज़ला, ज़ुकाम, नाक का बहना, खांसी, गले में दर्द, ये सारी चीज़ें सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसके हवाले से अगर कोई तिब्बी इलाज हो जो घर बैठे हम करें और ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, तो ऐसे इलाज के बारे में आप बताएं। तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, और बहुत आसान, आपको ढूंढना कुछ नहीं है, अपने घर में वो सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं, रेगुलर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बस तरीक़ा हमें मालूम नहीं रहता है। तो आइए हम समझते हैं कि इसका इलाज क्या है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि अगर किसी को एलर्जी रहती है तो इसके हवाले से अक्सर डॉक्टर्स और हकीम तबीबों का ये कहना है कि एलर्जी मुकम्मल तौर पर 100% इंसान को ख़त्म नहीं होती है। हाँ, जो दवाइयाँ होती हैं वो दवाइयाँ आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहें, तो जिस चीज़ से आपको एलर्जी है वो चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, और साथ ही साथ आपको एहतियात भी करनी है। जैसे सर्दी के मौसम में ठंड हवाओं से लोगों को एलर्जी रहती है, इसी तरह धूल वगैरह से, इसी तरह फ़िज़ा में आलूदगी से, इन सारी चीज़ों से एलर्जी रहती है, तो इनसे बचने की चीज़ें हम इस्तेमाल करें, और उसके साथ साथ जो मैं आप तक दवा पहुँचा रहा हूँ इसको भी आप इस्तेमाल में लाएँ, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा आप महसूस करेंगे। सबसे पहला इलाज आप ये कि एक चम्मच शहद आप ले लीजिए, एक चम्मच शहद। उस एक चम्मच शहद, जो चाय का चम्मच होता है हमारे घरों में छोटा चम्मच जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसी चम्मच के बराबर आप शहद ले लें, और उसको आप हल्की आँच पर थोड़ा सा गर्म कर लें कि गुनगुना हो जाए। उसके बाद में वही चम्मच, उसी चम्मच के बराबर, यानी चाय के चम्मच का जो हिस्सा रहता है ना गोल वाला, उसमें एक पाव चम्मच, यानी वो जो चम्मच का गोल हिस्सा बना रहता है वो पूरा एक चम्मच हुआ, उसमें से आधा कर लीजिए तो आधा चम्मच हुआ, फिर आधे में से आधा यानी एक पाव चम्मच आपको जो है दालचीनी का पाउडर लेना है। इन दोनों को आप मिक्स कर दें, मिक्स करने के बाद आप देखेंगे कि ये एक पेस्ट बन जाएगा, एक माजून की तरह बन जाएगा, फिर आप उसको इस्तेमाल में लाइए, उसको खाइए, डेली इस तरह इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह अगर नज़ला है, ज़ुकाम है, एलर्जी है, खांसी है, इसी तरह गले वगैरह में दर्द ठंडक की वजह से हो जाता है, तो फिर इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरा इलाज जो ये भी हम अपने घरों में चीज़ें इस्तेमाल करते हैं लेकिन तरीक़ा नहीं मालूम होता है, दूसरा इलाज ये है कि दूध, हमारे घरों में दूध इस्तेमाल होता है, एक कप या एक गिलास आप दूध लें और उसमें आधा चम्मच आप क्या करें, हल्दी पाउडर डाल दीजिए, आधा चम्मच या आधे से भी कम रखें तो भी कोई हर्ज नहीं है, और फिर साथ में थोड़ा सा शक्कर डाल दें ताकि उस दूध में हल्की सी मिठास पैदा हो जाए, और उसको अच्छे से गर्मा लें, उबाल लें, और डेली सोने से पहले आप उस एक कप दूध का या एक गिलास दूध का इस्तेमाल रोज़ाना करें, तो इंशाल्लाह आपके बदन में ताकत पैदा होगी, और वो चीज़ जो आपको नुकसान पहुंचा रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, आपके करीब नहीं आएगी, और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गले में दर्द, ये सारी जो तकलीफ़ें ठंडक की वजह से होती हैं, इंशाल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा वो फ़ायदा पहुंचाएगा। इसके साथ साथ अगर आप दूध के साथ खजूर का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह वो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो मौसम सरमा में, ठंडी के मौसम में,
इस तरह के प्रॉब्लम लोगों को रहते हैं। इसलिए अपने तमाम साथियों से मेरी गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि अगर किसी को इस तरह की ज़रूरत महसूस होती हो तो वो इसके ज़रिए इलाज हासिल करके घर पर बैठकर ही आसानी के साथ फ़ायदेमंद इलाज कर सके। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें, ताकि हर मसले की नोटिफिकेशन हम आप तक पहुंचाते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।